नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री मोदी के तंज पर केटीआर का पलटवार करते हुए कहा है कि क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम एनडीए में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और उदय सामंत ने विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघनक को 3 साल की अवधि के लिए भारत वापस लाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक प्रमुख शॉपिंग मॉल में एक व्यक्ति ने गोलीबारी की जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया है। भारत के दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने स्वेश के मिश्रित युगल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद दमदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। बॉलीवुड एक्ट्रेस गायत्री जोशी की कार का इटली में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के समय गायत्री के साथ उनके पति विकास ओबेरॉय भी कार में मौजूद थे। सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ से तबाही मची हुई है। इस बाढ़ में सेना के तेज जवान लापता हो गए हैं। बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजित पवार नाराज है। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार पिछले कुछ दिनों से राज्य कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार में नाराजगी की चर्चा को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र राजनीतिक रूप से बीमारू राज्य बन गया है, पहले ऐसा नहीं था। शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र पवार ने बिहार की जाति आधारित गणना को एक साहसिक कदम बताया है। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए। महाराष्ट्र के 2 सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन पर केस दर्ज कराने की मांग की है। शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल ने नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 48 घंटे के दौरान 31 रोगियों की मौत होने के बाद अस्पताल के कार्यवाहक डीन से मंगलवार को एक गंदा शौचालय साफ करवाया। नागपुर एक रिजॉर्ट में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त छापामार कार्रवाई करते हुए न्यूट पार्टी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने पार्टी में शामिल 37